अब आज मुझे यहां विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको रुपे कार्ड देने का अवसर मिला, जिन लोगों ने संसद में गत नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दरमियान जो भाषण हुए हैं उसको अगर सुना होगा, न सुना हो तो रिकॉर्ड पर आप पढ़ लीजिए, हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग, अपने आप को बड़ा तीक्ष्णार्खा मानने वाले लोग, विद्वत्ता में अपने आप को बहुत चोटी के व्यक्ति मानने वाले लोग सदन में ये बहुत बातें बोलते थे कि हिंदुस्तान में तो अशिक्षा है, गरीबी है, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे होगा, लोग कैशलेस कैसे बनेंगे, ये इम्पॉसिबल है, लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, न जाने जितना बुरा बोल सकते हैं, जितना बुरा सोच सकते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने सदन में उठी उन आवाजों को जवाब दे दिया है। गांव में बसने वाली मेरी माताएं बहनें शिक्षित है कि नहीं है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, आज उन्होंने संकल्प किया है और 12 लाख लोग कम नहीं, 12 लाख लोगों ने संकल्प किया है कि वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा कारोबार कैशलेस करेंगे, नगद के बिना करेंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, रुपए कार्ड से करेंगे, भीम ऐप से करेंगे। अगर अच्छा करने का इरादा हो तो रुकावटें भी कभी कभी तेज गति को पाने का अवसर प्रदान कर देती हैं, और वो आज डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने दिखा दिया। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं कि आपने भावी भारत के बीज बोने का एक उत्तम प्रयास, डिजिटल इंडिया, लेस कैश सोसाइटी, उस तरफ देश को ले जाने के लिए और उस क्षेत्र के लोगों को स्पर्श किया है जिन तक शायद सरकार या बैंकिंग सिस्टम को जाते जाते पता नहीं कितने दशक लग जाते हैं। लेकिन आपने नीचे से व्यवस्था को शुरू किया है और आज उसको करके दिखाया है। मैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को भी बधाई देता हूं, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को बधाई देता हूं कि आज उन्होंने देश के लिए उपयोगी एक बहुत बड़े अभियान को प्रारंभ किया है। अब वक्त बदल चुका है और ये जो करेंसी है, जो नगद है, हर युग में बदलती रही है। कभी पत्थर के सिक्के हुआ करते थे, कभी चमड़े के सिक्के हुआ करते थे, कभी सोने चांदी के हुआ करते थे, कभी हीरे जवाहरात के रूप में हुआ करते थे, कभी कागज के भी आए, कभी प्लास्टिक के आए, बदलता गया है, समय रहते बदल गया है। अब वो डिजिटल करेंसी का युग प्रारंभ हो चुका है, भारत ने देर नहीं करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि ज्यादा नगद सामाजिक बुराइयों को खींच करके ले आती है। परिवार में भी अगर बेटा बड़ा होता है, बेटी बड़ी होती है, माँ बाप सुखी हो, संपन्न हो, पैसों की कोई कमी ना हो, तो भी एक सीमा में ही उसको पैसे देते हैं। इसलिए नहीं पैसे खर्च करने से वो डरते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर ज्यादा धन उसके जेब में होगा तो बच्चों की आदत बिगड़ जाएगी, और इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं और पूछते रहते हैं, भाई क्या किया, ठीक खर्चा किया कि नहीं किया।
जो परिवार में संतानों की चिंता करने वाले माँ बाप हैं, वो भली भांति जानते हैं कि अगर जेब में पैसे होते हैं तो पता नहीं कहां से कहां रास्ते भटक जाते हैं। और इसलिए ये बहुत बड़ा काम समाज को स्वयं की स्वयं के साथ अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्वयं की स्वयं के साथ अकाउंटेबिलिटी ये बहुत बड़ी बात होती है।